आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 354वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम रैक पॉइंट पर खड़े हुए हैं, एक ट्रक के ऊपर हम खड़े हुए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद इस तरफ का नज़ारा, ये सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ अगर यहाँ जाएंगे तो भटंगी नगर की तरफ, यहाँ आप देखेंगे दो ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं। इसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ का नज़ारा। ये हम रैक पॉइंट पर खड़े हुए हैं और रैक पॉइंट पर ये बरघाट नाके की तरफ का की सड़क है और लगभग 50 ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। पहली बार सिवनी रैक पॉइंट का उपयोग होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि सिवनी रैक पॉइंट अभी समर्पित नहीं किया गया है, इसका उद्घाटन नहीं किया गया है और इसे चालू आज किया जा रहा है पितृमोक्ष अमावस्या के दिन। पितृमोक्ष अमावस्या 25 सितंबर 2022, हम यहाँ खड़े हुए हैं। शाम का धुंधल का आप देख रहे हैं, रात हो रही है, ट्रेन के आने के संकेत, ट्रेन भौमा पार कर चुकी है जैसा नीचे चर्चा चल रही है। बिना इस रैक पॉइंट को लोगों राष्ट्र को समर्पित किए हुए या इसका उद्घाटन किए हुए यहाँ पर लगभग 50 ट्रक चावल, जो यहाँ रेलवे के सूत्रों ने बताया कि ये पूरा का पूरा चावल यहाँ से खंडवा के लिए भेजा जा रहा है। इस रैक पॉइंट पर कोई भी रेलवे का अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो भी लिपिक हैं, जो क्लर्क हैं, उनके द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा चावल यहाँ से जाना है वो यहाँ से ट्रेन कितनी देर में आएगी वो मोबाइल भी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ लोग बहुत परेशान होते दिख रहे हैं, लाइन से आपको ट्रक यहाँ से पूरे आखिरी तक बरघाट नाके तक सारे ट्रक इकट्ठे खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि रात का समय है इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। नीचे चलते हैं, बहुत लाइट नहीं है यहाँ पर, दो लाइट लगी हुई हैं यहाँ पर, जो हाई मास्ट लाइट दो लगी हुई है वे भी अभी चालू नहीं है। इस तरीके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की विसंगतियां हैं। इस रैक पॉइंट को ना ही शायद डीआरएम ने देखा है, ना ही चीफ इंजीनियर के द्वारा देखा गया है। यहाँ ये देखिए, दोनों रैक पॉइंट के, इस रैक पॉइंट के दोनों हाई मास्ट लाइट पूरी तरह बंद है, अंधेरा यहाँ पर छाया हुआ है। अब हम आपको यहाँ से नीचे ले जाकर नीचे दिखाते हैं कि किस तरह के यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा घुमाकर इस तरफ यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये रेलवे ट्रैक रैक पॉइंट पर मजदूर दिख रहे हैं और ये जो वाहन आते जाते आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ पर एक तरह से लोग ये कहते हैं कि यहाँ एक नेशनल हाईवे इन्होंने बना दिया है। चूंकि नीचे वाली सड़क बंद है इसलिए रैक पॉइंट के ऊपर से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। आए हम नीचे चलते हैं ट्रक के नीचे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे ठीक पीछे मंडला नैनपुर भौमा की तरफ से एक रेलगाड़ी चली आ रही है। ये रेलगाड़ी का इंजन में आपको हॉर्न यहाँ सुनाई दिया होगा और यहाँ लाइन से अगर आप देखिए कितने लोग यहाँ जमा हैं। इस तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जमा हैं, ये यहाँ पर इंजन चला रहा है। इस रैक पॉइंट का उपयोग पहली बार यहाँ हो रहा है। ये देखिए, ये इंजन आगे जा रहा है, इंजन और इंजन के पीछे ये बोगिया, दूसरा इंजन भी लगा हुआ, दो इंजन की ये रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी में लगभग अगर दो इंजन लगे हुए हैं तो ये मान लीजिए आपके 55 से 60 डब्बे इसमें होने चाहिए। पहली बार सिवनी में आज 25 सितंबर 2022 को पितृ पक्ष के आखिरी दिन पितृमोक्ष अमावस्या पर ये रैक पॉइंट यहाँ पर आरंभ कराया गया है। ये रेलगाड़ी यहाँ से आप जाती हुई देख रहे होंगे, बाकी ये रेलगाड़ी के डब्बे यहाँ से एक लाइन से चले जा रहे हैं और अगर हम आपको इस तरफ आप अगर देखेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर देखेंगे तो ये सिवनी कटंगी की कटंगी नाका और सिवनी रेलवे स्टेशन की ओर ये रेलगाड़ी, आगे आपको इंजन की लाइट भी दिखाई दे रही होगी। आगे जाकर ये ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करेगी और ट्रैक चेंज करके उस दूसरी तरफ वाले ट्रैक पर ये रेलगाड़ी जाएगी और वहाँ वापस आकर ये रेलगाड़ी उस तरफ जो रैक
पॉइंट वाला ट्रैक है, उस ट्रैक पर ये रेलगाड़ी जा सकती है। इसके उपरांत ये जाती हुई आपको रेलगाड़ी यहाँ से दिख रही होगी, रेलगाड़ी के डब्बे अगर आप देखेंगे, रेलगाड़ी के यहाँ पर डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। रात का समय है, लगभग 7 बजा है, 25 सितंबर 2022 को 7 बजे शाम को घोर गहन अंधकार यहाँ पर रैक पॉइंट पर है। एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है रेलवे प्रशासन के द्वारा। गुणवत्ता की बात रेलवे प्रशासन करता है, और किस तरह की गुणवत्ता, किस तरह का, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेलगाड़ी जाकर ये आखिरी में गार्ड का डब्बा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये गार्ड साहब यहाँ पर ये जा रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, ये आगे चली जा रही है। अब जब ये लौट कर आएगी तब हम आपको इसके आगे का दिखाएंगे कि यहाँ पर 40-50 ट्रक खड़े हुए हैं, ट्रक में क्या जा रहा है, आइए हम लोगों से बात करते हैं। ये रैक पॉइंट पर हम यहाँ खड़े हुए हैं, अभी हमने आपको दिखाया एक रेलगाड़ी गई, यहाँ आप देखिए किस तरह से यहाँ काम चल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। मोमबत्ती यहाँ जल रही है, ये यहाँ पर यहाँ क्या चल रहा था, अभी यहाँ क्या चल रहा है, बता दें आप कहाँ से हैं? मैं नैनपुर से हूँ। और किस उस से हैं, मतलब ये ट्रेन में सील लॉक करने का काम है। अच्छा, स्टील लॉक करने का, तो यहाँ और कोई सरकारी विभाग के नहीं है, आप स्टील लॉक करते हैं, तो आप क्या रेलवे के कर्मचारी हैं? ना प्राइवेट है, तो यहाँ रेलवे का कोई, रेलवे का, लेकिन ये सील का काम हम ही करते हैं। अच्छा, रेलवे का कोई और कर्मचारी नहीं, आने वाले गाड़ी के साथ आएंगे, गाड़ी के साथ आएंगे। और यहाँ लाइट नहीं है, देखिए मोमबत्ती में यहाँ पर ये मोमबत्ती में काम, ये लिखाई पढ़ाई चल रही है, नैनपुर से आए हुए हैं। और ये व्यवस्थाएं हैं SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सिवनी रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट की ये व्यवस्थाएँ। खूब अंधकार आपको यहाँ से वहाँ तक दिख रहा होगा, ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं, एक भी लाइट यहाँ नहीं है। पितृमोक्ष अमावस्या के अंतिम दिन 25 सितंबर 2022 को यहाँ पर रैक पॉइंट आरंभ कराया गया है। इस रैक पॉइंट को अभी तक रेलवे के द्वारा व्यापारियों के लिए या माल रखने के लिए खोला गया है, आधिकारिक तौर पर खोला गया है या नहीं खोला गया है, यहाँ पर इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। और एक दिन अगर ये रुक जाते तो पितृपक्ष समाप्त हो जाता, और उसके बाद 1 तारीख से यहाँ पर काम चालू, माफ़ कीजिएगा, 26 तारीख से नवरात्र में काम आरंभ कराया जा सकता था। यहाँ हमने आपको दिखाया इस तरफ के, यहाँ आप देख सकते हैं लाइट बिल्कुल नहीं है, बिना लाइट के यहाँ पर सारा काम चल रहा है। यहाँ तो कोई अधिकारी नहीं दिख रहे हैं, सब अधिकारी है ना हमारे नान की नान, आप नागरिक आपूर्ति निगम से हैं, तो क्या हैं आप वहाँ पर? और कोई अधिकारी वहाँ नहीं आए, आने वाले यहाँ लाइट नहीं है, तो किस तरीके से काम होगा, कौन से अधिकारी आएंगे? ये यहाँ रैक पॉइंट का काम आरंभ होने वाला है, और नागरिक आपूर्ति निगम के कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, गुप्त अंधकार, यहाँ पर जितने भी श्रमिक हैं वो अगर, और एक और हम आपको महत्वपूर्ण ये बात ये बताते हैं, यहाँ हम आपको दिखाते हैं, देखिए अंधकार के बीच में ये एक गड्ढा, यहाँ आप देखिए कितना गहरा गड्ढा है, अगर इस गड्ढे में कोई गिरता है, इस गड्ढे के अंदर अगर कोई गिर जाए, दुर्घटना घट जाए, लाइट नहीं है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? रात का समय है, रात के समय अगर यहाँ पर इस तरीके के, तो और गड्ढे होंगे आगे कितने गड्ढे इस तरीके के हैं, काफ़ी सारे गड्ढे यहाँ पर हैं लोगों का कहना है। और यहाँ एक बार फिर दिखाइए कितना गहरा, ये देख सकते हैं आप गड्ढा, अंदर तक दिखाइए कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर है, और इस गहरे गड्ढे को आप अगर दिखाते हैं तो यहाँ ये देखिए ये गड्ढा कितना गहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे के अंदर अगर कोई श्रमिक का पैर चला जाए, 100 किलो का एक बोरा होता है, 100 किलो का बोरा अगर वो पीप पर लाद कर इसके यहाँ से निकलेगा, और अगर उसका पैर इसके अंदर चला गया तो किस तरीके की के पूरा का पूरा व्यक्ति ही उसके अंदर घुस सकता है, ये स्थिति यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। और हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ 25 सितंबर 2022 की रात में जो यहाँ काम चल रहा है, एक भी कोई यहाँ पर
नान के अधिकारी भी नहीं है, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी भी नहीं है। इसकी लाइट आप देख सकते हैं, इस लाइट में यहाँ पर ये गड्ढा सामने दिखाई दे रहा है और ये गड्ढा कम से कम 15 से 20 फीट गहरा यहाँ पर गड्ढा है। ये देखिए यहाँ हम खड़े हुए हैं, अभी हमने आपको इस तरफ दिखाया, ये एक यहाँ पर अगर ऊपर देखेंगे तो ये एक यहाँ हाई मास्ट लाइट, एक हाई मास्ट लाइट उस तरफ भी एक लगा हुआ है। ये यहाँ पर ट्रक्स लाइन से खड़े हुए हैं, गुप्त अंधकार चारों तरफ है, यहाँ कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है, बीच में बड़े बड़े गड्ढे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उन गड्ढों को अगर आप, जो हमने आपको बताया 100 किलो का बोरा अगर एक हमाल लाद कर ट्रेन में रखने जाता है और उसका पैर उन गड्ढों में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना अगर कारित होती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? ये देखिए इस तरफ अगर हम देखेंगे, कोई भी एक वाहन अभी आता है तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये वाहन यहाँ से आ रहा है तो आपको इस तरफ से हम दिखाते हैं, वाहन की लाइट पे आप देख सकते हैं लाइन से ट्रक्स खड़े हुए आपको दिख जाएंगे, लगभग 40 से 50 ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। पितृमोक्ष अमावस्या 25 सितंबर 2022, रैक पॉइंट आज बिना उद्घाटन के आरंभ यहां पर कर दिया गया है। और रैक पॉइंट की क्या दुर्दशा है, पहले हमने दिखाया आपको, यहां की मुरम भी दिखाई, यहां किस तरह से मुरम का कटाव हुआ वो दिखाया, सड़क दिखाई, और आज हम आपको ये रैक पॉइंट दिखा रहे हैं बिना लाइट के। यहां लाइट नहीं है, बिना लाइट के मोमबत्ती में काम हो रहा है, बाबा आदम के जमाने का युग वापस आता हुआ दिख रहा है। ये स्थिति है सिवनी की, सिवनी के रैक पॉइंट की, यहाँ सिवनी का रैक पॉइंट। और यहाँ से देखिए ये गाड़ी की लाइट में आपको दिखाई देंगे कितने सारे ट्रक एक लाइन से खड़े हुए हैं, इन ट्रक्स में जो भी अनाज आया है उस अनाज को यहाँ से ट्रेन में रखा जाएगा और रात में भी यहाँ लोडिंग की जाएगी, सुबह भी लोडिंग की जाएगी, लगभग 2:30 बजे नवरात्र को 2:30 बजे पहले दिन, 2:30 बजे दिन में या 11-12 बजे जैसा बताया गया कि यहाँ से इसे रवाना कर दिया जाएगा खंडवा के लिए। वहाँ चर्चा ये भी चल रही थी उनके बीच कि 28 लाख रुपए फ्रेट, 28 लाख रुपए इसका किराया मिला है। रेलवे का कोई अधिकारी मौजूद नहीं, नागरिक आपूर्ति निगम का कोई अधिकारी मौजूद नहीं, साथ में पुलिस का एक भी कारिंदा वहाँ नहीं दिखाई दिया। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी आप सिवनी में हैं, एक बार आइए यहाँ देखिए, अव्यवस्थाएं दुरावस्थाओं को देखिए। और हम आपसे आग्रह करते हैं DRM नागपुर, चीफ इंजीनियर नागपुर SECR, डिप्टी चीफ इंजीनियर जो यहाँ काम देख रहे हैं SECR, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आप यहाँ पर अनुशंसा जरूर कीजिए। इन ट्रक्स में क्या रखा है साहब? जी गेहूँ लेके आए, चावल लेके आए। कहाँ जाएगा ये चावल? सर ये चावल जो है रेक लोडिंग के लिए आया है। रेक लोडिंग, आप कहाँ से आए? मैं तो सर यहीं से लोडिंग हुई है। कहाँ से? अपने सिवनी के आसपास से, नरेला से ये चावल आया है, चावल यहाँ से जाएगा। और ये कब तक खाली हो जाएगा, कुछ उम्मीद? सर इसकी कोई उम्मीद नहीं है, और ये आ रही है आज, आज तो आने की बात की गई है पर अभी तक अब ट्रेन निकल गई है, ट्रेन आ रही है पर सर आज खाली होगी नहीं होगी इसकी। और यहाँ पे कुछ पीने के पानी की कोई व्यवस्था? ना सर, पीने की ना चाय ना नाश्ता कोई किसी प्रकार, और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस भी नहीं है, माफ कीजिएगा, अधिकारी भी नहीं है सर, अभी तो नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पर, आप अगर देखेंगे यहाँ जो ये ट्रक्स खड़े हुए हैं, चावल यहाँ से जा रहा है, चावल खंडवा जाएगा, पुलिस की व्यवस्था नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इन चालक परिचालक जो ट्रक में आए हैं, चालक परिचालक, उनके चाय नाश्ते उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नंबर तीन, यहाँ पर चाय पानी के अलावा पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पीने के पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। नंबर चार, सबसे महत्वपूर्ण, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, और बड़े बड़े गड्ढे हमने आपको दिखाया, 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे, 100 किलो का अगर बोरा उठाकर एक हमाल
ट्रेन में लेकर जाएगा और उसका पैर अगर उसके अंदर चला गया तो किस तरीके की दुर्घटना कारित होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपका आपको लोगों ने चुना है, ये आपकी नैतिक जवाबदेही, आप आइए और देखिए। और जो भी अधिकारी, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम के हों, चाहे यहाँ पर रेलवे के हों, या अन्य जिस भी विभाग के लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं, समय सीमा में करवाएं। लिमटी की लालटेन के 354वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 355वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।